मेरे पास तुम हो। बैठ जाओ। मिलने आई हूं तुमसे, समझो तो देखने आई हूं। बेवफाओं से जब कोई दूसरा बेवफाई करता है तो देखने में कैसे लगते हैं वो? लड़ूंगी ना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। बैठ जाओ, जम के दोस्तों की तरह बात करते। उस दिन वाले थप्पड़ की माफी दे दो, मुझे बाद में ख्याल आया जिस लड़की ने अपने हाथों से अपना मुंह नोच लिया हो उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। सो आई एम सॉरी। नहीं, वो तो आप मिलने आ गई हो, वरना मैं सोचा था किसी रोज मिलूंगी आपसे, आपका हाथ पकड़ के चूमूंगी और कहूंगी थप्पड़ मारने का शुक्रिया। कोई 5 महीने सोया रहे तो समझो वो जिंदा नहीं है, या फिर उसका जमीर मर चुका है। ऐसों को फिर थप्पड़ मार के जगाते हैं। कुछ पिएंगी आप या चाय कॉफी सब मिलता है? नो, नथिंग थैंक यू। तो फिर क्यों आई आप? पूछना बुरा साउंड करता है पर हमारा मिलना नहीं बनता था। मुझे लगा एक आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांग लूं, तुम मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे पूछूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। आप खुदा से कहिए वो मुझे माफ कर दे। वो तो कहूंगी, कहा भी है शायद, इसीलिए तो आई हूं। तुम्हारे जाने के बाद दीवान ने मुझे बताया कि तुम 5 महीने रही हो मेरे शौहर के साथ और उस दिन देखा शादी कर रहा था वो तुमसे, तुम्हें लाकर मेरे बराबर खड़ा कर दिया था उसने। मुफ्त में रही हो उसके साथ, बहुत बेवकूफ हो। मैं बीवी हूं उसकी, मुफ्त में तो मैं भी नहीं रही उसके साथ। 50 लाख महीने के देता है वो मुझे, 5 महीने अमेरिका में रहूं तब भी। तो मैंने बैठ के सोचा 5 महीने बीवी के रुतबे को ऑफिशिएट किया तुमने, मेरे स्टेटस को एंजॉय किया, मेरी बराबरी की, लेकिन बराबर की तनख्वाह नहीं मिली तुम्हें। दीवान साहब, चेक दीजिए। ढाई करोड़ का चेक है ये, 5 महीने की पूरी बराबर की तनख्वाह।
नहीं, पैसे नहीं चाहिए। शहवार अहमद तुम्हें नहीं मिल सकता। शौहर बीवी का मुजरिम हो जाए तो उसके साथ बाकी का वक्त अच्छा गुजरता है, इसलिए वो नहीं दूंगी। वो भी नहीं चाहिए। तो पैसे रख लो। मोहब्बत जब ऐसे मर्द से हो जाए तो वो मोहब्बत कम ख्वाहिश ज्यादा होती है, तो ख्वाहिश पूरी कर लो, वरना जो सजा तुम्हें मिलने वाली है वो पैसों के बगैर काटोगी तो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाओगी। प्लीज जल्दी ना मरना। तुम्हें देखकर बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ सीख जाएंगी, फिर हो सकता है खुदा से माफी मांगने के लिए किसी दूसरे की मिन्नत नहीं करनी पड़े। दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो खुश नहीं है? पोर्टफोलियो में 25% का राइज आया है इन अबाउट 15 डेज, एंड लुक एट योर ब्लडी एक्सप्रेशन यार। मैं बहुत अमीर हो गया हूं ना, कोई शक? ये इशा कब नहीं जाएगा सलमान? वो मुझे छोड़ के जाते हुए मेरे अंदर इतनी गुर्बत छोड़ गई, क्या वो गुर्बत मुझे अमीर नहीं होने देती? एक बार मिल लो उसको प्लीज। रूमी भी यही चाहता, आज नाश्ते पे यही बात हो रही थी। वो बच्चा है ना, इसलिए मैं उसको ठीक से बता नहीं पाया कि महविश के बगैर मैं जी नहीं सकता, और मैं जिया भी नहीं। जब वो छोड़ के गई तो मैं मर गया फौरन, और ऐसे मरने में डॉक्टर नब्ज देखकर या आंखें चेक कर कर नहीं बताता कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। पर सच ये कि मैं बहुत देर इस दुनिया में नहीं रहा, मैं मर गया था कसम से। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है कि मैं फिर से जिंदा हो गया। अगर हो गया हूं तो जीने दो यार, पहले वो छोड़ के गई तो मैं मर गया, और अब वो मिलने आएगी तो मर जाऊंगा। स्टॉप इट प्लीज। दिस मोहब्बत इज नॉट योर ब्लडी स्टॉक मार्केट। यहां एक बार भाव गिर गया तो बस गिर गया। अरे वाह, बड़ी टाइमिंग सेट की है। टाइमिंग मतलब? अब मुझसे छुपाओगे? क्या छुपाऊंगा? ऊपर बुला लो ना, हमसे कोई पर्दा है यार। पर्दा? किसको ऊपर बुला लो? वो नीचे पार्किंग में खड़ी है तुम्हारी गाड़ी के पास। से कहो यहां से चली जाए।
चाहती थी कुछ देर तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी रहूं, महसूस करूं कि तुम इस बड़ी गाड़ी में बैठकर कैसे लगते हो, देखूं कि तुम कितना आगे निकल गए हो और मैं कितना पीछे रह गई हूं। पर आयशा ने मुझे देख लिया, वो देख ना लेती तो मैं माफ़ीनामा लिखे बगैर चली जाती, मुझे कहना ना पड़ता कि बिना इजाज़त आने के लिए सॉरी। बात की थी मैंने तुम्हारे पापा से, बदमाश तो तुम मेरी शादी कराओगे उनके साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी। वाह, अब सॉरी भी बोल दिया। वो एक्चुअली शादी नहीं कर सकते, जो मामा को माफ करेंगे तो फिर करेंगे शादी। तो अगर मामा को माफ कर देंगे तो किसी और से शादी क्यों करेंगे? आप नहीं समझोगी, वो कहते हैं मामा को भूल जाएंगे तो फिर मामा को माफ़ी मिल जाएगी, उनसे मामा को बुलाया नहीं जा रहा, आप किसी और से शादी कर लो। उदास बैठा था यार, मैंने सोचा पूछ लूं। क्यों, स्टूडेंट है मेरा? क्या वो एक स्टूडेंट है तुम्हारा? सिर्फ उसी की बातें क्यों करती हो? बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अरे जाओ। जाओ मतलब? उसका बाप भी फेवरेट है तुम्हारा। अरे तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें खींच के उसकी तरफ ले जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम दिल की बात को ना दिमाग से सोचने लग गई हो, गलती कर रही हो, नॉट गुड फॉर यू। आइए। पता है मैं क्यों आया था? बताइए। सुनकर बुरा लगेगा आपको। ये कैसे बता आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है इसलिए। पहले मैंने सोचा था कि आपको देखते ही फट से कह दूंगा, लेकिन कहा नहीं गया। ट्राई इट नाउ, बुरा लगेगा तो कहूंगी, बुरा नहीं लगा। आपने चाय का कहा था, पूछिए आए कब आएगी। लीजिए जनाब, चाय हाथ से लेना। मैंने देखा आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी, तो आप भी बैठिए ना, आपके सामने बात करूंगा। तो मैं हानिया से कहने आया था कि शादी कर लो मुझसे। एक मिनट, घबराइए मत, कहने आया था बस, लेकिन कहा नहीं मैंने।
दरवाजे पे पहुंच के माइंड चेंज कर लिया था मैं। मुझे लगा कि मैं विश से बदला ले रहा हूं। वैसे मैं बदला लेना भी चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मेरी शादी का सुन के बहुत तड़पेगी वो। तो क्या है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए ज्यादा तड़पेगी। ऊपर से मैं अमीर भी हो गया। आप सुन रही हैं ना? जी। तो इसलिए मैंने माइंड चेंज कर लिया। मुझे लगा मैं आपको यूज कर रहा हूं। What? मतलब मैंने सोचा कि अगर आप मान गई तो बदला लेने में आप यूज हो जाएंगी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड विद वर्ड्स। स्कूल में भी लिख देता था कि लीमू खाने से दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ। व्हाट? ओह माय गॉड, सलमान! आज पापा को वेट नहीं करेंगे आप? लतीफ अंकल मेरा फोन दे रहे। हेलो, मेविस से मेरी बातचीत होने लगी तो पांचवें दिन मैंने उससे कहा, विल यू मैरी मी? अब मैं यही बात किसी और लड़की से कहूंगा तो मुझे लगेगा ये कोई खास जुमला नहीं है। हम इसे दिल से नहीं कहते, बस रस्मन बोल देते हैं। समोसे तो बहुत खा लिया मैंने। तो मे भी अगर मैं दोबारा आऊं और आकर यही बात कहूं आपसे तो आप इसे सीरियस मत लीजिएगा। क्या है कि रूमी बहुत चाहता है आपको। वो तो शुक्र कीजिए कि वो पूरी उम्र का नहीं है, वरना आपको प्रपोज कर देता। हो सकता है वो जिद करे तो मैं दोबारा आ जाऊं। ओ यस, मैं उसको साथ लेकर आऊंगा। मैं उसके सामने आपसे कहूं विल यू मैरी मी तो आप कहिएगा नो, नॉट एट ऑल, मना कर दीजिएगा। तो मैं जाऊं, मतलब मैं चलता हूं। ठीक है, एंड थैंक यू। मैं करती हूं। Thank you. Okay. Love it. Sune? Rumi, अगर जिद भी करे तो ये सब कहने के लिए यहां बताइएगा। और अगर आ भी जाएं तो ये मत कहेगा विल यू मैरी मी। क्या पता मैं हाँ कह दूं। बाय बाय। क्या किया उसने? नस काट ली है उसने।
जिद भी करे तो ये सब कहने के लिए यहाँ मत आइएगा, और अगर आ भी जाएं तो ये मत कहेगा विल यू मैरी मी, क्या पता मैं हाँ कह दूँ। मेरी बातों ने डरा दिया तुम, मैं थोड़ा पजेसिव हूँ ना, इसलिए गलत सलत वो बातें कह जाता हूँ जो कहनी नहीं चाहिए, तो जाहिर है लगेगा डर, आदमी डरता है तो बोलता है झूठ। बीवी तो 100% बोलती है, घर जाके सॉरी बोल लूंगा तुम्हें, और प्लीज तुम भी डरना मत, इस्लामाबाद भी जाना हो तो बोल के जाना। वहां सब ठीक है साहब? कहां? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? आपको नहीं पता? रूमी बाबा की मामा है वहां, सीरियस है बहुत। व्हाट? रूमी कहां है? वो तो सुनते ही चले गए थे, ड्राइवर ने कहा भी कि पापा को बताओ, पर वो नहीं माने, बोले कि वो जगह पापा के जाने की नहीं है। दरवाजा खोलो। हाँ, she's alive. सो रही हैं? हाँ, सो रही। जाग जाएंगी? इंशाल्लाह। के जाने के बाद तुमने कोई बात ही नहीं की, कुछ बताया ही नहीं, उसके जाने के बाद कोई बात ही नहीं रही। वो झूठ बोल रहा था तो फिर गुनाह मिलेगा उसे? अच्छा, ये तो कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी मर्जी का जवाब नहीं दूंगी मैं, बस इतना कहूंगी अगर वो झूठ बोल रहा है तो बेवफाई से बड़ा गुनाह कर रहा है। मोहब्बत में दो तरह के गुनाहगार होते हैं, एक जो बेवफा होते हैं, दूसरे जो बेवफाओं के लिए रोते हैं। होश आ गया उसको। Will you do me a favor? बोल, पुलिस वालों से निमट लेना, और अगर बिल विल का कोई प्रॉब्लम हो तो दे देना। ठीक, थैंक यू।
मामा। रूमी दानिश बोल रहा हूँ। दरवाजे पे खड़े हैं क्या? नहीं नहीं कार में हूँ, घर जा रहा हूँ। वो आपको बताना था कि रूमी आज स्कूल नहीं आएगा, तो उसकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दीजिएगा। कितनी छुट्टी? मालूम नहीं, अभी बस एक दिन। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो आपको बता दूंगा। जरूरत पड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो उसकी मदर हॉस्पिटल में है तो वो उसके साथ रहेगा, एक दिन से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, वो मैं पापा के साथ आए थे? नहीं, ड्राइवर के साथ। पापा नहीं आए? कहाँ है? वो वापस चले गए थे। मुझे देखा उन्होंने? नहीं। से मिलना चाहती हूँ। 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती, अब तुम्हें आवाज देके बुला भी नहीं सकता, ये नहीं बता सकता कि देखो महवेश मेरी शर्ट का बटन टूट गया। अच्छा एक बात बता, अगर वो लौट के आ जाए, माफी मांग ले, तेरे पैर पड़ जाए, पिछली मोहब्बत के वास्ते दे तो क्या करेगा? बेसाले, जिस मोहब्बत को पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। वो इस बात पे खुश है कि वो आया था, चाय मिले बगैर ही चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना। डर गया हूँ आयश, ऐसे पछतावा से डर जाता। दानिश को छोड़ गई तो लगा गलती की थी उसने, लौट कर आना चाहती है तो लगता है गुनाह किया उसने। गलती की करेक्शन हो जाती है आश, गुनाह की करेक्शन नहीं होती। Thank you.
स्कूल से छुट्टी हो गई ना, आज मेरे साथ ही रहोगे? जी। पापा को बुरा नहीं लगेगा? नहीं। एक बार ना मरी गए थे, बहुत सर्दी थी, होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरा पैर मुड़ गया, पांव में चोट लग गई थी, जरा सा खून निकला, तुम्हारे पापा देखकर पागल हो गए थे। रात के 2 बज रहे थे, गाड़ी मंगवाई, मुझे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर, पता है जब तक मरहम पट्टी नहीं हो गई, मैं आकर सो नहीं गई, पापा को चैन नहीं आया था। ऐसे थे तुम्हारे पापा? वो भी तो याद करें, जब आपके सर में दर्द होता था वो खुद खाना पका लेते थे। खाना तो बनाने ही नहीं आता था उन्हें, अंडों का ऑमलेट बनाते थे। आपके सर में भी तो दर्द नहीं होता था, आप ऐसे ही बोल देते थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। एंड प्रॉमिस मी वैविश, तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। प्रॉमिस। हाँ रूमी। डॉक्टर ने कहा ठीक हो गए हैं, वो शाम को चले जाएंगी। गुड। आर यू हैप्पी? या। आयशा आंटी हैं वहाँ? अंकल आंटी दोनों यही हैं, वो साथ छोड़ने जाएंगे इनको। चलो फिर डिनर पे मिलते हैं। नहीं पापा, डिनर पर नहीं, नाश्ते पर। मामा ने कहा है रात मेरे साथ रहो। बेवफाई कर रहे हो तुम। करने दो ना पापा। Just joking, Papa. I love you. I love you more. See you. See you. आप फिर इधर ही रोके, मैं इनको अंदर छोड़ के आती हूँ। थैंक यू सुमित। चलूं? हाँ, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। रूमी है ना मेरे साथ, इस सब को हैंडल कर लेगी। बाय रूमी। हेलो टीचर। How's your mom? Fine. Hospital से आ गए हैं। क्या हुआ था उन्हें? हाथ की वेन कट गई थी उनकी। आज स्कूल भी नहीं आया, छुट्टी कब भी नहीं का। फाइन लगेगा मुझे? नहीं लगेगा, तुम्हारे पापा ने बता दिया था मुझे। घर पर हो? नहीं, मामा के हॉस्टल में हूँ। पापा भी साथ हैं? नहीं। मामा से बात कराओ मेरी। टीचर आपसे बात कर। हेलो। हानिया बात कर रही हूँ। आई नो।
आपकी तबीयत का सुना तो सोचा आपसे पूछ लूं। आपको मेरी तबीयत का किसने बताया? दानिश ने। रूमी की छुट्टी के लिए फोन किया तो बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं। I'm fine now. पहले सोचा था कि आपसे हॉस्पिटल आके मिल लूं, लेकिन लेकिन क्या लगा कि नहीं जाना चाहिए। तुम आ जाती तो शायद वो थोड़ी देर और रुक जाता। आया और मुझसे मिले बगैर ही चला गया। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ उसको, रिश्तों में मोहतात होता है बहुत। खुद से सोच लेता है कि ये वाली बात गर्लफ्रेंड को बुरी लगेगी। सॉरी गर्लफ्रेंड, बस बाय द वे बोल दिया, बीवी नहीं बोल सकती ना। मैं रखती हूँ फोन। आओ। क्या हुआ? आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बस यही पता करना था मुझे। बाय। शक कर रही है मुझ पर। कौन? दानिश की एक्स महविश। फोन आया उसका? फोन मैंने किया था। क्यों? नस काट के हॉस्पिटल में पड़ी थी, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं उसका। क्यों पूछ लूं? तुम्हारी क्या लगती है वो? रूमी की माँ है वो। और रूमी क्या लगता है तुम्हारा? कम ऑन वतीरा, ही इज माय स्टूडेंट यार। तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट्स की अम्मियाँ नहीं है? उनके तो हालचाल तुम नहीं पूछती। व्हाई ऑलवेज रूमी? क्या देख रही हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पर शक करना बनता है। और मुझे तो पूरा यकीन है, उसे सचमुच आके तुमसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लो, तुम फौरन कह दोगी हाँ कर लो। कभी नहीं कहेगा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो तो चाहता है इस बार वो ऐसी लड़की से मोहब्बत करे जिसको मोहब्बत के साथ वफादारी की भी लाइफ टाइम गारंटी दे। ऐसी कोई लड़की है ना कोई गारंटी, अगली बार भी एतबार ही करना पड़ेगा उसे। समझे तुम? हाय दानिश। हाय। क्या हाल है? क्या हाल है? कल से जाग रहा हूँ यार, नहाया चेंज किया और आ गया तेरे पास। तो क्यों आ गया मेरे पास? उसकी वजह से। क्या है ये, मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाएं तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती हो। एक रात में कई कई बार मरती होगी, और पता है मर कर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूं, चाहता हूं कि उसको माफ कर दूं, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। तुम हो।